अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, नोनी टोनी और ऑडियंस में है बबलू डब्लू। आज तो मेदे तक पेंट आई ये तेरी। इनके साथ भी तो बहुत स्पेशल लोग हैं। ना छेड़ना। पता है क्या नाम है इनका? ये कौन है? शकीला तेज। शकीला तेज। आप तो ऐसे ऐसे इस तरह कर रही हैं जैसे आप कोई सियासतदान होती हैं। शक्ल से तो मुझे मरासदान लग रही। शकीला आप क्या करती हैं? मैं जी नून लीग की कारकुन। मेरी नानी अम्मा, मेरी वालदा, मेरी दादी अम्मा, हम सब नून लीग के हैं। मेरी अम्मी बड़ी बड़ी कारकुन सी नून लीग दी। अच्छा, और यकीन कर वो खंबे से चढ़ जाते और करंट भी नहीं पैदा। एक बार ट्रांसफार्मर तो बह गई। अच्छा, माफ एक धमाका होया है उस बाद ये हुई। देखें मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, आपको मेरे साथ बात करने का तरीका नहीं है। नहीं, हमें आपसे बात करने का तरीका नहीं, आप दफा हो जाइए। इन्हों गुस्सा ना चढ़ाए दे, अंदर दा मर्द बाहर आने लग पिया। मेरी नानी अम्मा वो अपने हाथों से मियाँ साहब के पोस्टर लगाती नहीं है जब मियाँ साहब वजीर आजम थे। एक दफा ने मियाँ साहब के उत्ते ही पोस्टर लगाते, मियाँ साहब ने फिर वो तोता। बाल आपके बड़े अच्छे हैं, फ्रंट से आपने बनाए हुए, लेकिन पीछे से क्या हुआ? वो उजड़े से रहे हैं। बाइक पे आई हूँ ना तो मुंडा मेरे चटके लगा करके। मुंह पे आपने इतना मेकअप लगा लिया लेकिन नेल कलर भी नहीं लगाया, कोई वैक्सिंग भी नहीं की हुई, मतलब आप मेरे सैलून में आए। प्लीज एनु ना सैलून चली जाना। अच्छा? ए जदो गई ते ओदा ना वर्कशॉप पे जाना। नाले सैलून तो मेकअप नहीं कराउंदी। एक बंदे नु मोटरसाइकिल कहंदी स्टार्ट करो, स्टार्ट करदा ओदा सिलेंसर अगे मुंह कर लैंदी। आपने जोड़ा किसका पहना हुआ है? ये रशीद है हमारे मोहल्ले में, वो सीता है। अच्छा, मैं क्या पता नहीं होता पाया। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता दे कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे। हदीका जी, मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? है? जी मैं बोल दिया ना, मेरा मैदा खिंचिया जाता है। मैं अब अपने गेस्ट को बुलाने लगी हूँ। हमारी जो पहली गेस्ट है वो बहुत ही प्यारी होस्ट है और एक्ट्रेस है। अभी उन्होंने ताज़ा ताज़ा इस इंडस्ट्री में कदम रखा है और बहुत सारे ड्रामास कर लिए हैं। शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आप सब की तालियों में दुआ खान। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। सेनेटर भी रह चुके हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं मुख्तलिफ अदवार में, और सियासत पे उनकी बहुत गहरी नज़र है। आज उनसे सियासत के बारे में कुछ बातचीत होगी और उनकी लाइफ के बारे में भी। कामिल अली आगा के लिए बहुत सी तालियां। आप साइकिल पे आई थी जी? यानी कि शोबिज तो आने से पहले तुसी चूचे भेजदे सो? होस्टिंग से किया स्टार्ट या एक्टिंग? नहीं, एक्टिंग से किया था। और जो होस्टिंग थी मुझे लगता था शायद मैं किसी से बात नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकूंगी। तो मेरे एक सर हैं, उनका मतलब जब मैं चैनल में थी, किसी निजी चैनल में जब काम कर रही थी, तो मैं वहाँ पे एक एज अ गेस्ट गई थी, तो मैं ना एंकर से ज़्यादा बोल रही थी। तो उसके बाद मुझे एक दफ़ा कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप एज अ एंकर हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा मतलब मैं तो नहीं कर सकती ना, मुझे अब देखे ना एक्टिंग और होस्टिंग दोनों अलहदा चीजें हैं। ए जी कुड़ी उर्दू बोलती बोलती पहाड़ से चढ़ जाती, लेकिन बाद में उतर हो रही नीचे कैसे उतरूं। तो उसके बाद अच्छा वैसे मैं बता के रही थी आपको, दुआ गजनी में गई। तो उसके बाद ये हुआ जब उन्होंने मुझे कहा स्टार्ट करें, तो मैंने ऐसे एक पहले शो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एक प्राइवेट शो जब करना था वो ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ बैठ के फिर आपको मार्जिन मिल जाता है, कुछ कट हो गया कुछ नहीं हो, तो वहाँ लाइव करना था मुझे और इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी फर्स्ट टाइम, और राहत फतेह अली खान शो था बिल्कुल, वो मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था वो, और वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन शुक्र अल्लाह का हो गया। कुड़ी बोल दी बोल दी ना अचानक छींक आए ना, तो बड़े प्यार से मैं तुम्हें कह रही थी ना मिस हो गई। आगा साहब, काउंसलर से सेनेटर तक का जो आपका सफर था? मैंने तो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू की थी, मैंने पहला इलेक्शन जो है वो इंटरमीडिएट में लड़ा था। और आप किसको सपोर्ट करते थे उस टाइम? उस वक्त तो मैं प्रेसिडेंट अयूब खान को सपोर्ट करता था, मुझे आज तक
उनके 5 साला मंसूबे जो हैं वो ऐसे लगते हैं आइडियल थे, वही मंसूबे थे जिन्होंने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। आज तक वो काम आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी काम कम कम नजर आते हैं सवाए परवेज लाई के कामों के। ये तो नून लीग के भी बहुत से काम किए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। कुछ नहीं पता इसको। क्यों नहीं पता? ये हो जी चंगी भली घर जाके ना तलाक करवा देनी है। आ है नहीं तेरा बंदा अल्लाह की कसम मैं कल देखा कुड़ी दे कोल खड़ा नहीं तू। हां आ है नहीं ओखा आ हां नहीं हां। सबसे पहले ये बताएं कि ये मोटरवे किसने उन्होंने बनाया? नून लीग ने। ये पुल जो बने लाहौर में, कितना प्यारा लाहौर लग रहा है। और जो इतनी सारी करप्शन है, ये कौन सी बात है? करप्शन करप्शन करप्शन, कहाँ करप्शन की हम लोगों ने? जितने काम परवेज लाई ने किए हैं उनके ऊपर तख्तियां इन्होंने लगाई, यानी रिंग रोड परवेज लाई ने बनाई, तख्ती इन्होंने लगा दी। देखिए सारे के सारे वो अंडर पासिस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब ने बनाए हैं, सवाए चंद एक दो के वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में बनाए थे। इन्होंने बनाया जंगला बस जो पूरे लाहौर को डिवाइड कर दिया है। आपको कभी कॉल आई कि मैं आपके ऑफिस में टिकटॉक बनाना चाहती हूँ? नहीं मुझे नहीं आई। आज आप उनका नंबर दे दें मैं हाजिर हूँ। आप इतना इसरार क्यों कर लें, डायरेक्ट मुझसे नंबर ले लें। आगे जी ये जो बाजी शकीला बैठी है ना सामने, ये नून लीग की है और आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आजकल सारे नून लीग वाले मेरे साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ऑफर करें तो मैं आपकी पार्टी में आ सकती हूँ। वेलकम जी वेलकम। चागा जी आपका माशाल्लाह 40 साल का तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, तो इमरान खान साहब के बारे में चंद अल्फाज। इमरान साहब दयानतदार आदमी है और उनका स्लोगन बहुत अच्छा है, वो ये कि करप्शन का खात्मा हो। ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बुराई है। जिस दिन पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो गया उस दिन आम आदमी की फलाह शुरू हो जाएगी। आगा साहब आपको उनसे होप है क्योंकि आप नाराज़ भी थे उनसे? ये नाराज़गी हमारी कोई नहीं, ये तासर बिल्कुल गलत था। अच्छा। हम नाराज़ होते हैं लेकिन एक इसलाह के लिए, हम चाहते हैं कि हम उनके अलाई हैं, उनके पार्टनर हैं, हमारे साथ मशावरत के अंदर तसलसल हो। सही। और हर पॉलिसी बनाने से पहले हमारी जमात का मशवरा शामिल हो, यानी हमारा इनपुट शामिल क्योंकि बेहतरी के पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी इनपुट होनी चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब बेलाग हो, ये तासर नहीं आना चाहिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई सियासी दुश्मनी नवाई जा रही है। हर किसी का एहतसाब होना चाहिए, जिसने करप्शन किया है उसकी पकड़ होनी चाहिए। दुआ जी आपका जो पहला एक्टिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, कैसे ऑफ़र हुई आपको फर्स्ट टाइम? अच्छा फर्स्ट टाइम जो ऑफ़र हुई थी वो कुछ इस तरह था कि जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है उसका अपने स्कूल की तरफ से कोई प्ले था अलहमरा में, आपको पता है होते हैं बच्चों के अलादीन का चिराग कुछ ऐसे टैबलोस टाइप। हाँ बिल्कुल टैबलोस टाइप होते हैं, तो हम वहाँ पे थे। फिर उसी का उन्होंने जैसे शॉर्ट मूवीज नहीं बनाते हैं कुछ इस तरह का उन्होंने बनाना था, तो तब मैं उसके साथ थी, उनकी कोई आर्टिस्ट मिसिंग थी। उन्होंने कहा सिर्फ एक शॉट है ये आप दे दें। तो अब बचपन से तो ये चीज़ थी मुझ में क्योंकि मैं 8 तक एक्टिंग में और मतलब मैं फर्स्ट आई हमेशा, सेकंड वाली चीज़ मुझ में थी नहीं। तो वो एक चीज़ तो थी, अब वो दिल भी कर रहा है करने को और साथ मम्मा का डर भी है कि वो और इजाज़त इजाज़त भी नहीं है। मैं मम्मा ने कहा मम्मा कर लूँ, मम्मा के नहीं नहीं कुछ नहीं करना, पता है ना कोई घर में टीवी देख लेगा तो फिर। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, किसने देखना, एक बस गुजर के चले जाने। खैर उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं होगा अभी हमें ज़रूरत है तो आप करने दें, तो आपने किया वो मैंने कर दिया। अच्छा वो चला भी नहीं, वो चला गया बहुत बैठा हुआ है मैंने पता है। हाँ बिल्कुल फर्स्ट वाला बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा हुआ था जैसे मेरा आज आपके साथ फर्स्ट है बहुत ही बुरा है। इसमें क्या कमी है बताओ मुझे, दुआ आप में है क्या कमी? तो बात की बात है, मेरी आंखें देखो गौर से, एक इधर एक उधर, कहाँ से देखूं? नानी तुम टीरे भी हो। नानी मैं तुम्हारी तारीफ करना चाह रहा हूँ। करो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, ओ माय गॉड, तुम्हारे लिप बिल्कुल शर्मिला टैगोर जैसे हैं। नोनी मैं वैसे सामला है। हाँ जी। आ गए जी आहिस्ता आहिस्ता सर नफरी होंगे। नोनी हेलो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे कान, ओह माय गॉड, तुम्हारी ठोड़ी, आओ तुम्हारे बाल, आप सबके सब कुछ कट्ठा रला के देखो ना तो तू घोड़े का बच्चा लग। मेरी बात सुनो, जब भी कोई अच्छी लड़की आती ना तो मेरी ऐसे ही बदतरीफ ही करते हो। तो आपने इसकी तरफ नहीं देखना? मैंने आपकी तरफ भी नहीं देखा। तो आप प्लीज एक मिनट ठहर जा, गाल और पास से डोर पे बातें तो होती रहेंगी।
आगा साहब इधर देखे ना, उधर क्या है जी? बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। आगा जी पहले बंदे ने जिन्होंने तेन बिस्मिल्ला किया है। बाजी ऐनक ला ला मेनू। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ही मैं ऐसे रिक्शे से गाड़ी से नीचे और तेन पता नोनी रक्षा भी है आप चला दी गई। मैं ऐसे जैसे इंटर हुई लड़कियां मुझे देख के जेलस हो गई। लोकी दौड़ गए कि आग लग गई किसी और। पता नहीं कौन से पार्टीज में जाते जाने देख के इतना खुश होते हैं। वेड़े च पानी सड़ के ना चिकड़ करके उन्हें पार्टी कहते। आपके सितारे हमारे साथ हैं दुआ खान और कामिल अली आगा। शकीला तेज का भी नाम ले लिया करें। शकीला आपकी नजर चुप रहे। शकीला तेरी वजह से मैं ब्रेक च बाहर बैठा रहा, पता तेरे क्यों किया? मेरी अखां च कुकरे पै गए सन। इसने ऐनक उतारी है, मुझे खौफ आना शुरू। सर ऐसे करके ऐसे करना। एक्सक्यूज मी अम्मी बहू। मेरे ख्याल में आलिया जी को इन्वॉल्व करना चाहिए। आलिया जी अनु गायब करन दी को दुआ है। जी बबलू आ जाएं जरा कार्ड्स। या अल्लाह खैर। लाइंस वाले आगा साहब। आगा साहब लाइंस वाले ये भी हैं। ये दो तीन दुआ आप और इसको आपने शफल करना है। थैंक यू थैंक यू। यार बबलू एनजी ऑडियंस ले के ना मांग। मैं ना एक लड़की से प्यार करता था। मैंने रोज उसको फोन करना 6-6 घंटे। ठीक है। वो मुझसे लोड भी करवाती थी। अच्छा 1200 उसको पता वो ऐसे ऐसे कर रही है। लोड करवाती थी। हाँ ये कभी 200 का कभी 500 का। और नहीं नहीं 1200 वाला कार्ड मरे। ए 1200 वाला कार्ड तड़े अबू दी फैक्ट्री च बन गया। मुबारक होवे। मैं दसा कि अच्छा मेरे साथ इस तरह बहुत। मैं जिस बाजार में जाती हूँ ना लोग दुकान बंद कर देते। मैं जब भी हतीके जी बाजार में जाती हूँ लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखती हैं किधर सानू वाट न लवे। लड़कियों में जाती हूँ लड़कियाँ मेरे ये बाल देख के इतनी अच्छे एस्टेल कहाँ से बनवाती। ये कुछ जेलस होने वाली बातें नहीं है। नहीं। ए, बाल की तो बनवाती थी नहीं, नहीं तो मूछ पा के। तो मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है। अल्लाह का बेड़ा ही गर्क करे जेड़ा तेनु नजर लगता है। कख ना रवे जेड़ा तेनु। मैं एक पार्टी में गई, उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं गई, मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई। अल्लाह खैर। यूं ही मैं ऐसे रिक्शे से गाड़ी से नीचे। और तेनु पता नोनी रक्षा भी है आप चला के गई। मैं ऐसे जैसे इंटर हुई हूँ लड़कियां मुझे देख के जेलस हो रही। लोकी दौड़ गए कि आग लग गई किसी और। पता नहीं कौन से पार्टीज में जाते जाने देख के इतना खुश होते हैं। सोचे वेड़े च पानी सड़ के ना चिकड़ करके उन्हें पार्टी कहते। हदीका जी आपका सैलून भी है। अगर हम शकीला बाजी को घेर कर के उठे तक ले आइए। नहीं इन्हें पहले घेर के नहर ते ले जाइए। आगे से चुपी लवाई है एक अच्छे तरीके ना। नहर पे क्यों? मैं तेरे प्यो की लाश कटनी है क्यों? हाय अल्लाह। नोनी हाँ जी गौर कर आगा जी। हाँ। मुसलसल बाजी शकीला ने देख रहे। कौन, नहीं, नहीं यार आगा जी ऐसे नहीं है। नहीं होती ऐसी है ना। मुझे देख देख के आपकी गालों पे और लालियां आ रही हैं। और ग्लासेस के अंदर से देख रही है मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। आगा जी ने चुप करके ना पार्टी शमूलियत इख्तियार करा दी। अब हम टैरो कार्ड की तरफ आते हैं। अगर सब बहुत नाकाबले तस्खीर किस्म की शख्सियत है आपकी, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रांग, और आपके लिए जो कार्ड आता है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स आता है। तो आने वाले दिनों में ऐसे लगता है कि जैसे आपको किसी जंग की तैयारी करनी है। आप एक ऐसे फेज में दाखिल हो रहे हैं जहाँ आपको मुखालफत का, साजिश का और स्कैंडल का सामना होगा। लेकिन चूँकि आप हमेशा जीतते हैं, शुरू से आप बहुत टफ जंग जीत के यहाँ तक पहुँचे हैं। नंबर आपका 3 बनता है, इसलिए आप लकी हैं। 3 नंबर वाले हमेशा लकी होते हैं। इस कार्ड का जो आपके आने वाले अगले 6 महीने उसमें आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आता है,
कि बहुत सारे लोग जो आपके दोस्त थे वो दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और बहुत सारे दुश्मन जो आपके दोस्त बन जाएंगे। तो किसी पर फिलहाल आप रिलाय ना करें, किसी पर एतमाद ना करें। आगा साहब की तबीयत में एक रोमांस का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है हमेशा से। wow. और आपका जो मोहब्बत भरी गुफ्तगू है ना, बातों में आप किसी को भी फंसा सकते हैं। दुआ थोड़ी जी इधर हो के मैं आगा साहब पहले प्यार के बारे दसो सानू को। पहली मोहब्बत इन्होंने बहुत जल्दी कर ली थी, यानी छिले ही पहली मोहब्बत हो गई। देखें ये इंसान की फितरत है कि वो अच्छी चीज़ को पसंद करता है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है और हमारी फैमिली की बैकग्राउंड और हमारा अपना माहौल ऐसा है कि उसके अंदर ये बातें हमारे लिए बड़ी मायूब हैं। तो हमने तो बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत मेरी बीवी है। वाओ। हदीका आप मुझे बताएं कि अगर मैं अपने घर वालों को दिखाना चाहूं कि एक लड़का मुझसे मतलब प्यार करता है या मुझे अंगूठी पहनाना चाहता है तो मैं किस मुंह से इनका मुंह दिखाऊंगी? नाक तो फड़कने हैं जी वहां। और मैं करूंगा सारी दुनिया के बाद तुमसे वफा, वाह 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 वाह, क्योंकि तुम ही हो मेरी दुआ। पर मैं चाहती हूँ मुझे आपकी जैसी लिपस्टिक लगाना आ जाए। इतनी प्यारी लिपस्टिक आप कैसे लगा लेते हैं? अच्छा तो आप नोनी की लिपस्टिक से मुतासर हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक टिप लेना चाह रही हूँ, कैसे लगाते कैसे? आपने बहुत अच्छी लगाई हुई है। अच्छा बस यही सुनना था मुझे। अच्छा दुआ क्या ड्रीम है लाइफ में और क्या दुआ करती हो ज्यादा? मुझे ना दुआ मांगनी नहीं आती, मतलब मैं अगर नमाज पढ़ती हूँ कुछ इतना एक होता ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ है कोई मांगे, मैं नहीं मांग सकती हूँ। मैं सिर्फ ये मांगती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है वो हो जाए और मेरे नसीब अच्छे होने चाहिए। जब मतलब मुकद्दर अच्छे होते हैं फिर आपको पता है फिर सब कुछ मिल जाता। मैं सिर्फ इस तरह मांगती हूँ, या अपने पेरेंट्स के लिए मांग लेती हूँ, या अपने सिस्टर्स की मांग लेती हूँ, या मोस्टली मैं ऐसे मांगती हूँ कि मतलब जितनी भी लड़कियाँ सबके नसीब अच्छे होने चाहिए। यही दुआएं होती है। और की बंदा दुआ जहाज मांग रहा होता, मौला मैनू F-16 दे दे, या अल्लाह मैनू टैंक चाहिदा है। नोनी हाँ जी, तुम दुआ मांगते हो? मैं मांगता हूँ। मैं भी दुआ मांगता हूँ। हम दोनों दुआ मांगते हैं। अब आलिया जी से जरा पूछते हैं ना। आलिया जी दुआ के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, भाईचा भी बहुत अच्छा है, कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। ये बेसिकली आप लकी हो, आपका जो कार्ड है वो चैरियट कार्ड है। ये कार्ड उन लोगों का होता है जो अपनी जिंदगी का जो सफर है वो बहुत कामयाबी से तय करते हैं। हालांकि दुआ पाइसिस है, पाइसिस लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज भी होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं और रोमांटिक भी होते हैं सारा कुछ, लेकिन फिर भी आप अपनी जहानत से हर चीज़ पहले प्लान कर लेते हो और आगे भी आपकी कामयाबी का सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। मेन चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपसे सेव नहीं होती चीज़ें, संभाल के रखना सीखो, रिश्तों को भी, फाइनेंसेस को भी, हर चीज़ को, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। और जिस काम में हो इस काम में आगे आपने 17 ईयर्स रहना है। और जो आपकी पहली मोहब्बत है गालिबन वही आपकी आखिरी मोहब्बत भी है, वहीं पर आपकी शादी भी नजर आती है। उसकी हंसी के अंदर कुछ है। उसकी हंसी के अंदर सिर्फ कर्लिंग बाल है। मोटे तेरा ब्याह नहीं होया? नहीं होया। करियर के शहमा का ब्याह नहीं होता, धमाका होता। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। बच्चे चुकना लग रहे। मैं ते तेरा साथ दे रहा। बड़ा चोई कुल्फी वर्गा मुंह है तेरा। ए भी मुंडा कल टीका लवाउण गया, हजे एदा ही लग्या, कहिंदा बस करो मेरा ढिड भर गया। वेलकम बैक टू आपके सितारे। हमारे साथ हैं कामिल अली आगा साहब और हमारे साथ हैं दुआ खान। अच्छा ऑडियंस की तरफ आते हैं जी। ऑडियंस हाथ खड़े करो सिंगर जी। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। जी आप
हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, बेटा मुंह ते उते कर शर्मिंदा होके गा रहे, मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर, सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया, मेरे दिल की दिल से तोबा तोबा, मेरे दिल से दिल की दिल गलती कर बैठा, तो बोल कुफारा क्या होगा। अगर तेरे को मोबाइल ना हुंदा फिर तुम्हारा क्या होता। जी सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां, ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां। नेहा कक्कड़ दा साशे पैक है गाइस। ऑडियंस में से कोई सवाल जवाब। आगा साहब से मेरा क्वेश्चन है कि लाहौर के अंदर जिसको ये जंगला बस कहते हैं, जो पेशावर के अंदर बन रही है, क्या उसको भी जंगला बस का नाम देंगे या कोई और नाम देंगे? यकीनी तौर पे ये घिसे पिटे मंसूबे हैं, जो सबसे ज़्यादा ये मेट्रो बस सर्विस थी वो तुर्की में थी, आप जाके तुर्की में देखें, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है किसी शहर के लिए। रश को ख़त्म करने के लिए फ्लाई ओवर्स बनाए जाते हैं और बैरून शहर जाने वाली ट्रैफिक को एक लंबे फ्लाई ओवर के ज़रिए बाहर निकाला जाता है और शहर की ट्रैफिक जो है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये नकल उतार के जो काम भी किया जाएगा कि शहबाज शरीफ ने लाहौर में किया है इसलिए हम पेशावर में कर दें, तो ये कोई काबिले सताइश बात नहीं। जी मेरा क्वेश्चन इस दुआ से है कि आप इतनी जल्दी हिट किस तरह आए? बस अल्लाह ताला रास्ते खोलता कि मैं काम करती गई। एक्चुअली कई एक्टर्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन होती हैं, इस वजह से एक्टिंग लाइफ स्टार्ट करने से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी मैंने। मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, सब सडन हुआ था, तो आने का जो प्लान था वो सडन था। हाँ उसके बाद मेहनत ज़रूर की है और फिर आपको पता है मेहनत तो साथ साथ है, काम आती है बिल्कुल करियर के अंदर। बेटा आप खुद क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। और एक्टिंग का शौक है? हाँ जी है। डायलॉग सुनाए तो करो जरा। हाँ जरा सुनाए ना। नहीं आप डायलॉग बता दें। अच्छा तुम बोलो कि मैं तुम्हारी हूँ। यही वजह थी कि मैंने आते रिजेक्ट किया था। आगे एक जुमला लगा देना बहन। ओ नोनी आप कितने खूबसूरत हैं। नोनी आप कितने खूबसूरत हैं, मुझे आपका नोज बहुत प्यारा लगता है। यानी कि सिर्फ नोज प्यारा लगता है, बाकी शहवानो मैं जेब तो पालवा। ये मैं जब पैदा हुआ था ना मेरी दादी नाक पड़ के ऐसे ऐसे किया करती थी, ऐसे ऐसे। आपको पता है इसकी आंखें पहले हाँ, नॉर्मल थी। हाँ। ये जो तो पैदा हुआ है ना तो डॉक्टर ने बिल बनाया। अचानक बेलल पिया वो तो दे डेले बाहर आए। नहीं मैं भी सर के पीछे बहुत मारा होगा किसी ने, ठक 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 कर। वो मैं रो नहीं रहा था, मुझे किसी ने बताया कि तुम रो नहीं रहे थे जब पैदा हुए। इन्हें फिर बड़ा मारा उन्होंने, डॉक्टर ने मारा, नर्सा ने मारा, यही हुआ। सिक्योरिटी गार्ड नु बुलाया उन्हें मारा, अस्पताल के बाहर एक गंडेरिया ना खलोता सी उन्हें मारा, आखिर एक खुसरे ने मारा तो ठीक। वो जो छोटू पार्टिसिपेंट है उसने कुछ कहना है। एक मिनट बेटा, एक दिन का तोता होता है। तानू की जुगत मां ने बज्जी ते बांदर बनया। सेमी जेब च पाई हुंदी। जिस प्रेम दी गोली खा के पुट्ठा लमक गया, मैं गया कि कहना सिर दर्द दी खादी गए ढेर चना चली। मेरा मुंह इंजे जिवें छोटा जिहा मरासी हुंदा। सर्दियां नूं सुते ने ते पखा लाया, अब्बा कहंदा पुत्तर पखा हल्का कर दे, दो पल ला ते। चौधरी हुंदे ने चौधरी, अन्ना घर ही कमाई जांदी, कहिंदे चौधरी साहब मेरे घर आटा मोह गया, कहिंदा दे पैसे मैं लिया दे। बेटा
ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਟਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਧਾ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਨਾ ਚੋਲ ਮੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚੋਈ ਕੁਲਫੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਡਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਇਅਰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੁਗਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਘਰ ਮੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੇ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਸਕੂਲ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਮੂੰਹ ਵਾਂਜੇ ਛਾਬੀ ਚ ਚੂਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ छोटी सी ब्रेक विल बी राइट बैक मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे बैक टू आपके सितारे हमारे साथ हैं कामिल अली आगा और हमारे साथ हैं दुआ खान दुआ कोई अच्छा सा वाकया क्यूट सा है कोई फन मैं छोटे होते ना मुझे लोगों के बेल बजाने का बहुत शौक था बेल बजाती थी ऊपर टेप लगा के भाग जाती थी मेरी कजन थी तो हमने बारी थी ना मैं जाऊंगी मेरी टर्न है उसकी टर्न है मैंने उसकी थी उसने मुझे कहा नहीं नहीं तुम जाओ वो देख आई थी कि अब कोई बाहर आ रहा है उसने कहा नहीं नहीं तुम जाओ मैंने कहा नहीं नहीं बारी तो तुम्हारी है तुम जाओगे कहती नहीं नहीं तुम जाओगी मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चली गई उन्होंने बाजू खींच के मुझे अंदर वो उनका जो आदमी था मुझे अंदर ले गया और वो उसकी औरत भी आ गई उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया कहती तुम्हें तमीज नहीं है बेले बजाती हो हमारी मैं इतना रोई फिर मैं दुआ इस दिन हमारी बेल बजाए प्लीज और साड़ी बेल कोई नहीं थप्पड़ी के ऊपर कुंडा लगा आगा साहब आपने जिंदगी में कितने दिल तोड़े अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त आया ही नहीं मैंने कोशिश की के उससे भी कोई वादा हो उसको निभा दिया जाए मुझे ये लगता है कि इन्होंने दिल नहीं तोड़ा लेकिन इनका दिल बहुत दफा टूटा है 3-4 दफा तो मुझे लगा है नहीं तो खवातीन से ये लोगों से नहीं खवातीन जो भी समझ ले मैंने बहुत सारे लोगों को कोशिश की कि वो फला के कामों में आए मैंने मेहनत भी की उन्होंने कुछ सफर करने के बाद फला के काम छोड़ दिए मुझे दुख हुआ ये सियासतदान है ये नहीं पकड़ाई दे रहे नहीं नहीं वैसे माशाल्लाह आगा जी बड़े मंझे हुए सियासतदान है इसमें तेरे सामने ही है कोई शक नहीं जे तुसी इन्हें मना लवो तो मैं नौनी दी तौण ला मैं स्टार्स देख रही थी बिलावल के मरियम नवाज के कि कौन आने वाला है आगे सिलाही का भी आप बता रही थी नेक्स्ट जनरेशन में तो मुझे ये लगा कि मुना सिलाही का जो स्टार है वो सबसे स्ट्रांग है आगे जो ये डायनेसिटी है ये मुना सिलाही बहुत कामयाबी से चलाएंगे मेरा भी एक सवाल है जी आपने कभी पाकिस्तान के अवाम के बारे में कोई जायचा निकाला हो कि इनकी फलाह का काम कब होगा ऐसा है कि कोई हुक्मरान हो कोई हुकूमत हो कोई भी हो आने वाला वक्त अगला साल चंद माह में चंद हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि आने वाला वक्त जो है ये पाकिस्तान का है पाकिस्तान बहुत अरूज देखने वाला है इंशाल्लाह मैं भी गड्डी ला लेनी फौरी ਕਿਹੜੀ ਕੂੜੀ ਵਾਲੀ ਫਰਾਰੀ ਲੈਣੀ ਫਰਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਫੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇ 2 ਕਰੋੜ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੁਮ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਮੇ ਦੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੈਵਲਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਹੀਂ ਫਰਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਨੇ ਫਰਾਰੀ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾੜੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਫੋਰਨ
नहीं, आने वाले दिन मतलब ये साल खत्म होने से पहले बाहर के टूर्स का बता दो मुझे। मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, बताओ कौन सी चाहिए। 5-6 फरारी ले दें, 3-4 प्राडो ले दें बस। मैं गड्डियां लेके देनी तनिया नहीं रहना गड्डियां तू की रेंट ए कार बनाना वो मेरा मसला है ना, आप गिफ्ट तो दे मुझे। धोनी शुक्र करो उसने हमर नहीं मांग ली। वो हमर का पता ही नहीं है, वो हैमर समझ रहा है। मैंने इसलिए मांगी नहीं। दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी गाड़ी वही है। अगर मेरे साथ रहना है तो मुझे यही चाहिए। तो आपको हमर चाहिए? हमर ही चाहिए। वो गाली कोई नहीं। अपने नोनी हाँ जी बेटे इस तरह करो बाहर जाओ, मेरी हमर खड़ी है ओनू धागा पा के ले। ऐसा तो हुआ नहीं कि हम गाना ना सुने, क्या ख्याल है टोनी? सही बात है, बहुत जरूरी है। आगा साहब से सुने पहले। आगा साहब फिर आज हो जाए। दो लफ्ज सिर्फ हमारे लिए। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अच्छा बात सुनो जी, मोहब्बत से मुझे याद आया। क्या? अगर आप ये दो बोल गुनगुना दें। ये तो खान साहब के बोल हैं ना। कोई बात नहीं, खान साहब को इजाजत ले देने। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। और ये माइक जा रहा है अब दुआ की तरफ। दुआ दुआ लिए गाओ। मैंने नहीं गाना। नहीं दुआ गाना है। गाओ दुआ। होगा दुनिया में तू नो निहाय। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा जैसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद भूला तो नहीं हूँ। वादा फरामोश में तुझसा कैसे। हदीका जी मैंने तो आज सुजात भाई का एक और गाना तैयार किया हुआ था। वो सुना दो। सुनाए, सुनाए। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। तेरे जैसा
तेरे जैसा मगर हम को मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं जमाने भर की बातें उनसे कह दी जमाने भर की बातें उनसे कह दी जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं अगर पढ़ने लगो तो जान पढ़ना अगर पढ़ने लगे तो जान पढ़ना बहुत शायर पढ़े ऐसा पढ़ा नहीं बहुत शायर पढ़े ऐसा पढ़ा नहीं तेरे जैसा मगर हम को मिला नहीं लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं हदीका मेरे दिल में तो जगह वैसे बन रही है बन रही है ना थोड़ी थोड़ी सी किसके लिए बन रही है उधर वाले के लिए या इधर दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी सी इन्हें सानू आपस में मरवा देना ही दोबारा टास करो टास एक सिलेक्ट कर तेरी मेहरबानी क्यों सानू आपस में लड़वा इन्हें ना वे टास हो वे ते ना आगा जी दे निकले बातों से फिर मेरा दिल उठ जाता है तू आ चाहती है कि हम फौत हो जाए बोले ना भाई लड़की लड़की ना पागल लगती है और ये मानती है फौरी ना कर देती पर मैं तो इनसे बड़ी हूँ कैंसल बस ठीक है कैंसल ओके डन मुझे लड़की बड़ी चाहिए थी तू की नाल ट्यूशन पढ़नी थैंक यू सो मच आप दोनों आए हमारे शो के ऊपर हमें बड़ा मज़ा आया इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है मुझे अब मेरी टीम को इजाज़त दें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़